गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक कविता इतनी शक्ति हमें देना दाता इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक गीत भी है। आइए पहले जाने ध्यान और प्रार्थना में अंतर है। इस कविता में कवि प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ध्यान और प्रार्थना में अंतर है। ध्यान प्रभु को सुनना है और प्रार्थना प्रभु से बात करना है। हमारी प्रार्थना वास्तव में एक मांग पत्र है ना। हम भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए। नहीं की सूची जो होती है बहुत लंबी होती है। हम भगवान से हर वक्त मांगते ही रहते हैं। अब ज़रा प्रभु ने जो दिया है उधर चलते हैं। प्रभु ने जीवन दिया है, नाक आँख हाथ पैर दिए हैं, प्राकृतिक संपदा जैसे नदियाँ अनाज खनिज पेड़ पौधे आदि दिए हैं। जब कोई मित्र हमें कुछ देता है तो हम धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया कहते हुए नहीं थकते हैं, उन्हें बार बार थैंक यू शुक्रिया ये सब कहते रहते हैं, धन्यवाद कहते रहते हैं। पर दूसरी ओर प्रभु के प्रति जो हमें इतना कुछ दिए हैं उनके प्रति कभी आभार व्यक्त हम नहीं करते हैं, हम आभार व्यक्त करने में कंजूसी करते जाते हैं। अब इस गीत को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु शर्त यह है कि मन शांत रहे, इधर उधर ना भटके। यह शांत अवस्था ही ध्यान है जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे मन का जो विश्वास है वो किसी भी स्थिति में कमज़ोर ना हो, हमें हमारी काम करने की शक्ति पर पूरा विश्वास बना रहे, हम हमेशा ईमानदारी व सच्चे रास्ते पर ही चले और भूल कर भी अर्थात अनजाने में भी हमसे कभी कोई भूल ना हो। दाता का अर्थ होता है ईश्वर, और नेक रास्ते यानी सच्चाई का रास्ता। अब आगे बढ़ते हैं। हर तरफ जुल्म है बेवशी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना क्या ये अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब पहले आइए जो लाल रंग से जो कठिन शब्द दिए हैं उसके अर्थ जाने। जुल्म, जुल्म यानी होता है अत्याचार, बेवशी, बेवशी यानी लाचारी, बोझ, बोझ का अर्थ है भार, रचना का अर्थ है निर्माण। अब आइए इसका अर्थ जाने। वो कभी प्रभु ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु संसार में हर तरफ जुल्म यानी अत्याचार बढ़ गए हैं, आज इंसान बेबस लाचार बन गया है, आज के इंसान हमेशा डरे डरे रहते हैं, मानव के कुकर्मों यानी बुरे कर्मों का बोझ का भार इतना बढ़ रहा है कि धरती भी इस बोझ को सह रही है, फिर भी अभी तक चल रही है। हे प्रभु तू अपनी ममता से हमारा बोझ उठा ले ताकि अपने ही बनाए हुए इस मानव व संसार का विनाश न हो जाए। अब आगे देखिए। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जिंदगी जितनी भी दे ये
भले ही जिंदगी दे, बैर ना हो किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। अब पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। अज्ञान यानी होता है मूर्खता, जड़ता, है ना, जिसे ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अज्ञान। बैर यानी दुश्मनी। अब आइए जाने इसका अर्थ क्या है। हे प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर, तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे, हमें हर बुराई व गलत काम करने से बचा कर, हम भले जिंदगी जी सके ऐसी कृपा कर। हमारे जीवन में हमें किसी से कभी भी कोई बैर भाव अर्थात दुश्मनी का भाव न हो, और हमारे मन में किसी के प्रति कभी बदले की भावना न रहे। हमेशा हम सच्चाई के रास्ते पर ही चले, हमसे अनजाने में भी कोई भूल न हो। अब आगे देखते हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, पावन कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। अब अर्पण, अर्पण यानी होता है आदर पूर्वक कुछ देने की क्रिया, जो हम आदर पूर्वक किसी को कुछ देते हैं, देने की क्रिया। मधुबन यानी ब्रज का एक वन, सुंदर वन। करुणा यानी दया, पावन यानी पवित्र। अब देखिए क्या कह रहे हैं कवि। कवि कह रहे हैं, प्रभु हम कभी भी आपसे हमें क्या मिला है ऐसा ना सोचे, हम यह सोचे कि हमने क्या अर्पण किया है, यानी क्या आप आदरपूर्वक आपको कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, क्या दिया है। संसार में सभी के साथ हमारा व्यवहार आनंदमयी हो, ताकि हमारा जीवन मधुबन के समान महक उठे। तुम अपनी करुणा रूपी जल की धारा से सबके मन निर्मल बना दो, पावन बना दो, पवित्र बना दो। अब आगे देखिए कविता। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा ना हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। अब आइए देखिए अंतिम पंक्ति में कभी क्या कहते हैं। कहते हैं, हे प्रभु हम अज्ञान के अंधेरे से घिरे हुए हैं, तू हमें रोशनी दे, ताकि हम खुद को ही अज्ञान रूपी दुश्मनी में खो न दे, हमें हमारे बुरे कर्मों की सज़ा मिले, अगर सज़ा में मौत भी मिले तो भी हम उसे खुशी से सह सके, हमारे जीवन के गुजरे हुए दिनों को भुलाकर भविष्य सुखदायी बना दे। हम नेकी के रास्ते पर चले, सच्चाई के रास्ते पर चले, और हमसे भूल कर भी अनजाने में भी कोई भूल ना हो। आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।